विधानसभा की कार्रवाई देखने के लिए सीधा विधानसभा की कार्रवाई करती है और जनता आज पेट्रोल रसोई गैस डीजल खाद्य तेल खाद्य सामग्री बिजली सारी चीज इतनी महंगी हो गई है कि जनता त्राहि त्राहि कर रही है तुम्हें। और आप एजेंडा आज देखिए, एजेंडा में आपने 78 नंबर पर दिया है जो हम लोगों ने दिया है। ये बिना अनुमति कर रहे हैं। महंगाई पर सुनिए, आज पहले महंगाई पर सुनिए। महंगाई जो है जनता के जानलेवा हो गई है, जनता त्राहि त्राहि कर रही है, लोगों के घर में खाने के दाने नहीं है। आज बिल्कुल पहले महंगाई पर चर्चा हो, आज महंगाई पर चर्चा हो, पहले आज महंगाई पर चर्चा हो, आज महंगाई पर चर्चा हो, कार्यवाही का भाग नहीं होगा। आप बहुत वरिष्ठ हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये अभी अभी ये कहेंगे कि हाउस चलाओ, सदन चलाओ, और देखिए जब जब सदन चल रहा है तब इनकी ये स्थिति है। नहीं, इनसे पूछे खाद्यान्न पूरे प्रदेश में खाद्यान्न निःशुल्क बंट रहा है, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, माननीय मोदी जी की ओर से निःशुल्क खाद्यान्न नवंबर तक बटेगा। और इनको इनको महंगाई दिखाई पड़ रही है। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां पर डीजल पर और पेट्रोल पर सबसे कम वैट लगाए, सबसे कम, जो कांग्रेस समर्थित प्रदेश है,
जो समाजवादी पार्टी समर्थित प्रदेश है वहां पर डीजल और पेट्रोल के में मूल्य भी ज्यादा है और टैक्स भी ज्यादा है। मान लीजिए अध्यक्ष जी इनकी मंशा समझ गए। सदन की कार्यवाही 40 मिनट के लिए स्थगित है। 40 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित विधानसभा की। मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने सदन की कार्रवाई शुरू होते ही महंगाई को लेकर हंगामा कर दिया, नारेबाजी शुरू कर दी और लगभग 8 मिनट तक देखने के बाद इस हंगामे को विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वो 40 मिनट के लिए इस कार्रवाई को स्थगित करते हैं। पहले उन्होंने बहुत अपील की कि शांत हो जाइए, कार्रवाई चलने दीजिए और महंगाई के मुद्दे का राज्य सरकार से लेना देना नहीं है। ये उन्होंने अपनी ओर से विपक्ष को समझाने का प्रयत्न किया लेकिन विपक्ष की नारेबाजी जारी रही और हंगामा चलता रहा सदन में। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भी कहा कि कहीं हाहाकार नहीं मचा है, चारों ओर अन्न वितरण हो रहा है। इसके बाद भी हंगामा चलता रहा विपक्ष का, महंगाई का मुद्दा विपक्ष उठाता रहा और महंगाई पर चर्चा की बात करता रहा। त्राहिमाम का तर्क दिया उसने कि जनता महंगाई की वजह से त्राहिमाम कर रही है और आखिरकार 40 मिनट के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित। हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही विधानसभा अध्यक्ष ने 40 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी है। आइए शैलेश अरोड़ा के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सारी प्रोसीडिंग्स पर नजर रखे हुए हैं। शैलेश, आप क्या नारे लगा रहे थे विपक्ष के विधायक और क्या सारे विपक्षी दल नारेबाजी कर रहे थे? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले सदन शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के राम गोविंद चौधरी नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने सबसे पहले खड़े होकर महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू किया। जो बाकी विधायक थे सपा के वो भी अपनी जगह से उठे और हंगामा करने लगे। जो मुद्दा था मुख्य रूप से वो महंगाई, किसान बिल, कानून व्यवस्था, इन सभी मुद्दों को लेकर महामारी के समय जो लोगों को दिक्कतें आई उसको लेकर इन लोगों ने मुद्दा उठाया। और इस बीच हंगामे के बीच में जो संसदीय कार्य मंत्री हैं सुरेश खन्ना वो उठे, उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया गया, नवंबर में ही ये वितरण हो गया, अभी ये वितरण जो है खाद्यान्न का जारी है, कहीं कोई हंगामा नहीं है। लगातार सरकार ने जिस तरह से कोरोना काल में चीजों को हैंडल किया है, जिस तरह से कंट्रोल किया है वो एक मिसाल है। जिस तरफ संसदीय कार्य मंत्री सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे तो लगातार विपक्ष था वो नारेबाजी कर रहा था, सरकार को घेरने का काम कर रहा था। और इसी बीच में विधानसभा अध्यक्ष ने 40 मिनट के लिए सदन को स्थगित कर दिया है, स्थगित करने की घोषणा की है। और देखिए सदन शुरू हुआ, शुरू होते ही हंगामा और उसके बाद स्थगित, यानी कह सकते हैं कि सदन में आगे कोई बात ही नहीं हो पाई, चर्चा नहीं हो पाई और अब 40 मिनट के लिए फिलहाल सदन को स्थगित किया गया है। 12:30 बजे आज बजट जो है अनुपूरक बजट उसको भी पेश किया जाना है सदन में। शैलेश, अनुपूरक बजट पे आइए बात कर लेते हैं। चूंकि हंगामा हो रहा है और अगर ऐसे ही हंगामा आगे रहा और सदन की कार्रवाई में ऐसे ही विपक्ष जो है अपना हंगामा करता रहा, नारेबाजी करता रहा, तो उन स्थितियों में सप्लीमेंट्री बजट डिमांड कैसे प्रस्तुत की जा सकती है? बिल्कुल, देखिए अगर इसी तरह से हंगामा चलता रहेगा तो कहा जा माना जा सकता है कि आगे भी सदन को स्थगित कर दिया जाए। लेकिन 12:30 जो बजट को पेश करने का, पूरे बजट को पेश करने का समय है, वो निश्चित रूप से बजट वहां पर पेश किया जाएगा चाहे जितना भी हंगामा हो इस बीच में। हाँ, ये अलग बात है कि ऐसे में विपक्ष जो है, जैसे पूर्व में देखा जा चुका है कई बार, विपक्ष अगर चाहता है तो वो वहां से वॉकआउट कर जाता है, बहिष्कार कर देता है सदन का और बाहर आ जाता है। लेकिन देखिए बजट का जो तय पेश करने का वो उसी समय पर पेश किया जाएगा। विधानसभा की कार्यवाही देखिए जरूर स्थगित हुई है लेकिन विधान परिषद की अगर बात करें तो वहां पर अभी भी जो विधान परिषद की कार्यवाही है वो जारी है। इस समय जो वहां पर डिप्टी सीएम है डॉक्टर दिनेश शर्मा और इसके अलावा ऊर्जा मंत्री है श्रीकांत शर्मा, ये सभी लोग इस समय अगर बात करें विधान परिषद की बैठक में मौजूद है और वहां की जो कार्रवाई है वो शुरू है। देखिए समाजवादी पार्टी के भी नेता है वो बहुत जल्द आज जो सदन में हंगामा हो उसके बाद मीडिया से बात करने के लिए भी सामने आने वाले हैं और कांग्रेस जो है वो भी हंगामा कर रही थी और विधानसभा में, और उसके बाद कांग्रेसियों ने भी इसी मुद्दे को लेकर अब कुछ ही देर में बस मीडिया से बात करने जा रहे हैं। शैलेश, आप कह रहे हैं विधान परिषद की कार्रवाई चल रही है और विधानसभा की कार्रवाई 40 मिनट के लिए स्थगित की गई है। 12:30 बजे शैलेश बता रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, कितना भी हंगामा हो,
सदन के पटल पर अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जाएगा। शैलेश, एक जानकारी हमारे दर्शकों को और दें, जब ये सप्लीमेंट्री डिमांड प्रस्तुत की जाएगी तो तत्काल इसे वहां पर प्रस्तुत करने के अलावा इस पर कोई भाषण भी संक्षिप्त होगा वित्त मंत्री के द्वारा, या सप्लीमेंट्री डिमांड के घोषणा के साथ सिर्फ प्रस्तुत कर दी जाएगी? निश्चित रूप से जब यहाँ पर पेश आ देखिए, इस समय हम आपसे बताएं कि समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस नेता जो है सब लोग आ गए थे जी। समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता मीडिया से बात करने जा रहे हैं, जैसा कि शैलेश अभी कह रहे हैं। और सदन की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे की वजह से और नारेबाजी की वजह से 40 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष महंगाई पर चर्चा की बात कह रहा था और महंगाई का मुद्दा उठा रहा था। विपक्ष के लोग नारेबाजी कर रहे थे कि महंगाई से त्राहिमाम मचा हुआ है और भाजपा जब से सत्ता में आई है तब से महंगाई लाई है, इस प्रकार की नारेबाजी विपक्ष कर रहा था। और इसी के चलते हंगामे के बाद 40 मिनट तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित। दूसरा दिन कार्रवाई शुरू होते ही 40 मिनट तक के लिए कार्रवाई स्थगित। 12:30 बजे का वक्त है जब सप्लीमेंट्री डिमांड प्रस्तुत की जाएगी।